यहाँ राम राम दोस्तों। दोस्तों अगर आप वीडियो पर टच करके आए हैं ना तो आज की वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना, पहले भी बोलता हूँ। और जो धमाकेदार अपडेट है वह बहुत बड़ी अपडेट होने वाली है। परिवार पहचान पत्र के पोर्टल से ही आपको दिखाएंगे और लाइव दिखाता जाऊँगा दोस्तों, ए टू जेड दिखाता जाऊँगा क्या क्या चेंजेस आया है। अब बहुत सारा चेंजेस आ चुका है फैमिली आईडी के पोर्टल पर, बड़ा बदलाव हो चुका है दोस्तों। आप सभी के लिए मेन मेन बातें करूंगा, न कि आपका वक्त लूंगा दोस्तों। जो भी हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, मेन मेन बातें करेंगे दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है कि आपकी जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे बिजली का हो गया, कृषि का हो गया, या फिर अन्य कोई भी डिपार्टमेंट है, वह परिवार पहचान पत्र से लिंक किया जा रहा है दोस्तों। गवर्नमेंट क्या कर रही है, डाटा अपडेशन कर रही है, आपकी फैमिली आईडी का लिंक कर रही है। हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने कार्य में व्यस्त है, हर एक डिपार्टमेंट लगा हुआ है दोस्तों। इसी के चलते आपकी डेट ऑफ बर्थ, अब भूल जाइएगा कि पहले की तरह आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में 7 साल 8 साल 4 साल 5 साल करेक्शन कर सकते थे, अब नहीं कर पाओगे आगे आगे दोस्तों। लाइव दिखाऊँगा आगे, आप वीडियो पर बने रहिएगा। नंबर दो पे बात करते हैं कि अगर आपका मेंबर डिलीट हो चुका है दोस्तों, आपकी फैमिली आईडी से पहले कभी भी आपने डिलीट किया है, उसी फैमिली आईडी में अगर आप गलती से हुआ है या फिर कोई भी आपने रीजन से किया है, डिलीट कर चुके थे, उसका जब आप दोबारा से डाटा अपडेट करेंगे दोस्तों, उसको मेंबर को दोबारा से ऐड करोगे तो दोस्तों वह ऑलरेडी आपका डाटा अपने आप उठा लेगा सारा का सारा। सिर्फ आपने एक क्लिक करना है, वो भी दिखाऊंगा आज की वीडियो में दोस्तों। नंबर तीन पे बात आ जाती है कि डेट ऑफ बर्थ। हम यहाँ पर आज क्या करके दिखाने वाले हैं वो बता देता हूँ। पहले नंबर वन पे तो हम मेंबर डिलीट हो चुका है उसको ऐड करेंगे कि किस प्रकार किया जाता है। ऐड करने के बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ को गवर्नमेंट ने लॉक्ड किया हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप दो बार करेक्शन कर देते हैं, आपकी फैमिली आईडी में छेड़खानी कर देते हैं, दो बार अपलोड कर देते हैं सिग्नेचर करके मुखिया के, तो आपकी टोटल फैमिली आईडी में लॉक लग जाता है। आज की जो वीडियो है, ऐसी ही आईडी को हम लॉक किया हुआ डेट ऑफ बर्थ को चेंज करेंगे। करेक्शन होगी कम से कम 6 से 7 साल के बीच में, 7 साल की करेक्शन हम आपको लाइव दिखाएंगे, ऑन द स्पॉट भी हो जाएगी। लेकिन अगर आपका रिकॉर्ड मैच नहीं हुआ तो कभी भी नहीं हो सकती, उसको हो सकती है बट अगर आपकी एक्चुअल में है तो दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूं। यहां पर लॉगिन आईडी पर क्लिक करके ऑफिशियल लॉगिन यहां पर लिखा हुआ है, तो चलिए हम यहां पर ऑफिशियल लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों हम अपनी आईडी में लॉगिन हो चुके हैं दोस्तों। एक आईडी है हम आपको दिखाना जा रहे हैं, उस आईडी को हम उसके मेंबर को ऐड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम फैमिली आईडी नंबर यहाँ पर डालेंगे और इसको हम यहाँ से सर्च करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो अब हम ऐड मेंबर यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों। ऐड मेंबर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करते ही अब दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आपने आधार नंबर डालना है और उनका फर्स्ट नेम डालना है और लास्ट नेम है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। हिंदी में अपने आप ही उठा लेगा। हम यहाँ पर आपको जो डिटेल्स भर के दिखाएंगे, वह मेंबर इसी फैमिली आईडी में था बट दोस्तों किसी कारणवश डिलीट किया गया था। अब दोबारा से हम उसी मेंबर को इसी फैमिली आईडी में ऐड कर रहे हैं। वो प्रोसेस आप लाइव देख लीजिए जो आज
2023 में प्रोसेस चलता है वो किस प्रकार चलता है। तो यहाँ पर हम डिटेल्स जो है एक बार फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डिटेल्स डाल ली है। अब हम वेरीफाई देखिए करते हैं। तो दिस मेंबर वाज पार्ट ऑफ फैमिली आईडी, प्रीवियस डिटेल विल बी एडेड एज सच। ये बोल रहा है कि आपका मेंबर पहले ही ऐड है, बस आपने ओके करना है। ओके करते ही आपकी जो पहले इस मेंबर की जो भी डिटेल थी वह लॉक्ड होती है दोस्तों। और लॉक्ड होने के साथ साथ यहाँ पर जो ब्लू कलर है उसको छेड़खानी नहीं कर सकते, वाइट पट्टी है उसको छेड़खानी कर सकते हैं। अब नीचे आपको सेव का ऑप्शन तभी आएगा जब आप वेरीफाई करेंगे। तो आधार नंबर वेरीफाइड हो जाएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो यहां पर सेव बटन आ जाता है। सेव करेंगे तो ओटीपी आएगा, यहां पर ओटीपी आपने सेंड कर देना है। जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल है उस फैमिली आईडी का, उस पर ओटीपी चला जाएगा। आपने यहां पर ओटीपी को डाल देना है। यहां पर हम ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे और ओटीपी भी आपका वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुल। तो आपने यहां पर वेट करेंगे तो अपडेट सक्सेसफुली आपका मेंबर हो चुका है दोस्तों। अब वो मेंबर हमारा यहां पर आप देख रहे हैं, जो गुर इकबाल सिंह हमने ऐड किया था वह ऐड सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे और सेंड ओटीपी करेंगे। हम एक बार आपको यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करके दिखा देते हैं कि ये एडिट तो हो रहा है, बट दोस्तों यहाँ पर जो ब्लू ब्लू पट्टी बनी हुई है और डेट ऑफ बर्थ इनकी बिल्कुल गलत है। और 19/7/2017 यहाँ पर जूम करके देखिए, 19/7/2017 गुर इकबाल की हम दिखा रहे हैं। इस डेट ऑफ बर्थ को हम टच कर रहे हैं बट दोस्तों टच नहीं हो रहा। किसी भी वे से हम कोशिश कर रहे हैं बट यहाँ पर नहीं हो पा रहा है डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन। हम यहाँ पर एरो के साथ भी क्लिक करके देख लिया बट दोस्तों यहाँ पर आगे ही नहीं जा रहा है एरो के साथ भी। बट दोस्तों अब क्या करेंगे, इनकी 5 साल दिखाई दे रही है, एज आपके सामने है, एज 5 साल। ऊपर देखिए एज यहां पर 5 साल है और यहां पर डेट ऑफ बर्थ है 19/7/2017। अब हम इसको चेंज करेंगे और चेंज करने में आपने यहां से पहले कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद आपने सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करना है, करेक्शन मॉड्यूल पर क्लिक करना है और यहां पर आपने डाल देनी है वही फैमिली आईडी 3LRT आपके सामने है। और यहां पर गेट आप फैमिली, दोस्तों कैंडली अपलोड डॉक्यूमेंट कह रहा है। चलिए ये भी बहुत सारे मैसेज आते हैं हमारे पास कि यहां पर आता है, दोबारा से आपको दिखा देता हूं, कैंडली अपलोड डॉक्यूमेंट आपने होम पेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने यस करना है। यहाँ पर आपने फैमिली आईडी वही नंबर डाल देना है और सर्च कर लेना है दोस्तों। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए पीपीपी प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपकी फैमिली आईडी हाजिर हो जाएगी और आपने यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है। यहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं आप गुर इकबाल की 19/7/2017। ऑन द स्पॉट हम चेंज करके दिखाने वाले हैं आपको। आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अपलोडेड डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करके फैमिली आईडी पर मुखिया के सबमिट कर देना है और आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। आप ओके करेंगे, फिर करेक्शन मॉड्यूल पर दोबारा से क्लिक करेंगे, यहाँ पर डालेंगे वही फैमिली आईडी, गेट मेंबर करेंगे और यहाँ पर आपका डिटेल्स जो है शो हो जाएगी। अब यहाँ से आपने गुर इकबाल को ले लेना है और DOB को सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप DOB सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर है दोस्तों आपका धमाकेदार अपडेट। कैलेंडर से आप चूज़ कर लेते हैं, आपको डेट ऑफ बर्थ भी दिखा दी मैंने आधार कार्ड में। और यहाँ पर सर्च
कंपेयर करना है। कंपेयर करते ही दोस्तों आप यहां पर देखेंगे कि इंटर्ड डेट ऑफ बर्थ मैच विद डेट ऑफ बर्थ इन स्कूल रिकॉर्ड, क्लिक एक्सेप्ट इफ यू एग्री विद डेट इन स्कूल रिकॉर्ड। यानी कि ये बोल रहा है कि जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाली है वह स्कूल के रिकॉर्ड के साथ मैच हो चुकी है। यहाँ पर जो ऑप्शन है सर्च कंपेयर इन हरियाणा रिकॉर्ड, सॉरी दोस्तों कंपेयर लिखा हुआ है, सर्च एंड कंपेयर इन फैमिली हरियाणा रिकॉर्ड, यहाँ पर एक्सेप्ट एंड रिक्वायर टू चेंजेस आ चुके हैं दो ऑप्शन। अब स्कूल रिकॉर्ड ने इनकी डेट ऑफ बर्थ तो उठा ली है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ है 28/3/2009, लेकिन वहाँ पर क्या था 2017। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड चेंजेस पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर डू यू वांट टू अपडेट बोल रहा है। दोस्तों दो ऑप्शन हैं आपके पास, एक्सेप्ट का और रिक्वायर्ड चेंजेस का। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो सिर्फ आपका ओटीपी जाएगा और आपकी जो स्कूल रिकॉर्ड की डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी ऑटोमेटिकली ऑन द स्पॉट चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, यहाँ पर ओटीपी हमने भेज दिया है। अब दोस्तों हम यहां पर ओटीपी को फिल कर देते हैं, जो भी ओटीपी हमारे पास आया है। दोस्तों आप भी एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच हो जाती है तो फिर आप एक्सेप्ट करेंगे, योर रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुका है। बस दोस्तों अब डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑन द स्पॉट ही चेंज हो चुकी है। होम पेज पर क्लिक करके आपको अभी ऑन द स्पॉट फैमिली आईडी दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस दोस्तों 3LRT वही फैमिली आईडी डाली है और नीचे अब वहीं पर प्रिंट PPP फॉर्म स्टेप, इस पर हमने क्लिक किया है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों रिजल्ट आपके सामने ऑन द स्पॉट हाजिर है। ये देखिए दोस्तों, अब स्क्रॉल डाउन करते हुए 28/3 गुर इकबाल, यहाँ पर 28/3/2009 और 13 साल की एज हो चुकी है, ऑन द स्पॉट ही आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों आपका काम बनता है, आपका फ़र्ज बनता है कि लाइक कर दीजिए। और हमने फंडा आपको टोटल जो समझा दिया, अब कोई भी करप्शन नहीं चलेगा। अगर आपका रिकॉर्ड मैच होता है तो ऑन द स्पॉट ही आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगी। अगर आपका रिकॉर्ड मैप्ड नहीं होता है तो दोस्तों आपको विभाग के चक्कर काटने पड़ेंगे और विभाग आपसे मांगेगा पुख्ता सबूत, पुख्ता जानकारी, आपसे जो भी आपका पुराने से पुराना डाटा होगा वो मांगा जाएगा, जैसे कि आपकी जन्मपत्री और आपकी पढ़ाई लिखाई के कागजात। अगर किसी के अलावा पुराना वोटर कार्ड है तो वो भी देना पड़ेगा, फिर आपको विभाग के चक्कर काटने पड़ेंगे। बट दोस्तों अगर आपका यहाँ पर जैसे कि हमारे केस में जो रिकॉर्ड है मैप्ड हो गया स्कूल के साथ, अपने आप उठा लिया, क्यों? क्योंकि लिंक कर रहे हैं दोस्तों डाटा, पहले भी आपको बता चुके हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना, और किसी की डेट ऑफ बर्थ आप चेंज करना चाहें तो नया वे है, इसी प्रकार 2023 में आप भी डेट ऑफ बर्थ को चाहे आपके 10 साल ही क्यों ना हो चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक नई धमाकेदार वीडियो के